हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक बीएससीबी क्लर्क 2022। तो ये बीएससीबी क्या है? ये बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये जो है बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जितना भी कोऑपरेटिव बैंक है उसके लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो है इसमें क्लर्क लेवल का पोस्ट जो है भरा जाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन इसका हो गया बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो इसका कंट्रोलिंग पावर जो है बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत रहता है। किसी भी स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक होता है तो उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। पोस्ट नेम, तो इसके अंतर्गत जो है पोस्ट नेम असिस्टेंट है, ये मल्टीपर्पज है। नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 245 पोस्ट इसके लिए उपलब्ध है। अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है 9 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट, इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर और दिसंबर में लिया जाएगा। इसका नवंबर में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिया जाएगा और दिसंबर में इसका मेंस एग्ज़ाम होगा। एज लिमिट इसके लिए जो है 18 to 33 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2022 को 18 से 33 साल के बीच में आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर, इसके लिए जो है एज रिलैक्सेशन, एज में आपको छूट सिर्फ जो है बिहार स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए सिर्फ इसमें अप्लीकेबल होगा, बाकी सभी जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम जो है दो भाग में बटा होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और दूसरा मेंस एग्ज़ाम। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है और मेंस एग्ज़ाम दोनों में आपका जो है 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, दोनों में आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग प्रिलिम्स एग्ज़ाम। इसके लिए जो है आपको 3 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सब्जेक्ट हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, ड्यूरेशन। इंग्लिश लैंग्वेज पहला पेपर आपका इसमें रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, इससे जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। और इसके लिए जो है टाइम लिमिट जो है 20 मिनट के लिए आपको टाइम लिमिट रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके लिए भी जो है 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, इसके लिए भी टाइम लिमिट 20 मिनट है। और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, इसके लिए भी टाइम लिमिट 20 मिनट है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके लिए आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया, 100 मार्क्स का। और इसके लिए टाइम जो है आपको 60 मिनट के लिए टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो है इंडिविजुअली आपको जो है हर एक पेपर के अलग अलग टाइम इसमें लिमिट है। तो इसका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग देखते हैं मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 6 पेपर आपका रहेगा, लेकिन आपको जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, इसमें ये दोनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इंग्लिश सॉल्व करेंगे या तो फिर हिंदी। इसमें आपको फ्रीडम है, आप जो है आपको जो आसान लगे इंग्लिश में बना सक इंग्लिश पेपर को हल कर सकते हैं या फिर हिंदी पेपर को, वो एक कंडीशन सिर्फ आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए लागू होता है। पीटी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेंस में आपको जो है रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, इसको हल करते हैं टोटल तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलता है, 50 नंबर आपको मिलेगा। 40 क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको 50 नंबर इसमें स्कोर होगा। इसके लिए टाइम लिमिट आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज, इससे जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपको हाफ हाफ नंबर का हर प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चन हल करेंगे तो इसको इसमें आपको 20 नंबर मिलेगा, इसके लिए टाइम लिमिट आपको 20 मिनट है। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 40 मार्क्स का होगा, इसके लिए टाइम लिमिट 20 मिनट है। अब आप आते हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, इसके लिए भी टाइम लिमिट 20 मिनट है। या फिर हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इसके लिए भी 20 मिनट टाइम लिमिट है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, इससे 40 क्वेश्चंस हल करते हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, 50 नंबर मिलेगा, इसके लिए टाइम लिमिट आपको 30 मिनट है।
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपका हो गया 200 मार्क्स हो गया। टोटल जो है टाइम लिमिट 120 मिनट हो गया। तो मेंस में आपको जो है या तो इंग्लिश पेपर या फिर हिंदी पेपर, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे और बाकी सभी पेपर सभी के लिए कॉमन रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, और फिर देखेंगे हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। बुक्स के लिए पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए, तो इसमें जो है आपको BSC जिसे हम लोग बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल भी कहते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल, ये मंथली मैगजीन आता है, इसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। कोई भी लैंग्वेज में आप इसको एग्ज़ाम से पहले का 6 मंथ का आपको जनरल अवेयरनेस इसमें पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस। दूसरा इसमें समान ज्ञान दर्पण या फिर प्रतियोगिता दर्पण, इसका भी ये मैगजीन भी आपको 6 मंथ तक आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले का 6 मंथ का। तो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ना चाहें, प्रतियोगिता दर्पण जो है आपको इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसके लिए RS अग्रवाल का बुक बना लेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी है। रीजनिंग के लिए एडवांस रीजनिंग और बैंक क्लर्क, ये आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं लोग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक, ट्वेल्थ क्लास में कोई भी आपका जो है स्टैंडर्ड ग्रामर बुक आपका होना चाहिए, वो 12th क्लास लेवल का आपका होना चाहिए। और दूसरा करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये भी आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी पूछा जाता है इसमें जो है आपको कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल, कुछ ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, कॉमन एरर हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया, तो एक ग्रामर का बुक पढ़ेंगे और उसमें प्रैक्टिस करने के लिए इसमें इस बुक पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जितना भी कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल है आपका ये दूसरा बुक में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और हिंदी हिंदी लैंग्वेज, तो इसमें भी जो ग्रामर से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा, तो एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक ऑफ ट्वेल्थ क्लास लेवल का, कोई भी ट्वेल्थ क्लास लेवल का आप उस हिंदी ग्रामर बुक वो पढ़ सकते हैं। इसमें जो है देख सकते हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये आपको भारतीय भवन में मिल जाएगा। ये इसके लिए इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लेंगे। तो अब आते हैं इसमें आपका एक पेपर छूट रहा है इसमें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सिर्फ आपको बेसिक क्वेश्चंस पढ़ना है, उसमें ज़्यादा आपको हार्ड सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर आप जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर जा कर के एसएससी लेवल का, टेंथ लेवल का एसएससी या फिर टेंथ लेवल का कंप्यूटर का बुक जो आता है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जा कर के आप इसका कंप्यूटर पेपर पढ़ लेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी है, इतना जो है आपका सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकें। तो हम अपना स्ट्रेटजी को दो भागों में बांट सकते हैं, फिफ्टी परसेंट टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी, और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो इसमें हम अपना स्टडी को, अपना स्टडी दो भागों में बांट सकते हैं, 50% टाइम जो है अपना सब्जेक्ट स्टडी के लिए रख सकते हैं और 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट, अपना आत्ममूल्यांकन उसके लिए, अपने आप को जांचने के लिए। तो सब्जेक्ट स्टडी के लिए अपना स्टडी, पहला स्टडी उसमें बनाएंगे सेलेक्ट वन बुक, सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, रीड टू टू थ्री टाइम्स सेम बुक। तो 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी, इसके लिए आपका पहला स्ट्रेटजी होना चाहिए सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक पेपर के लिए आप जो है एक एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें जो कि आपको बेस्ट लगे, जो कि आपको सबसे अच्छी तरह से समझ में आए या पढ़ने में इंटरेस्ट हो। तो सबसे बेस्ट बुक आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, रीड टू टू थ्री टाइम्स सेम बुक, एक ही सेम बुक को ही आप जो है दो से तीन बार आप पढ़ने का प्रयास करें, कम से कम जो है आप दो बार इसको अवश्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपका जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आपका रिवीजन भी इससे हो जाएगा। अब ये पार्ट अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसमें जो है मैथमेटिक्स में जो है आपका जो है 40 क्वेश्चंस हल करें तो आपका 50 मार्क्स आ रहा है, और रीजनिंग में भी जो है मेंस में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 50 मार्क्स आ रहा है,
तो आपका स्ट्रेटजी इस पर इस तरह से होना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मैथ और रीजनिंग पर। इससे जो है आपका 10-10-20 नंबर आपका एक्स्ट्रा बन रहा है। अब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट पार्ट पर। तो जितना पार्ट, जितना सब्जेक्ट स्टडी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तब अपने आप को कैसे जांचेंगे, आत्ममूल्यांकन, इसको सेल्फ असेसमेंट मतलब हुआ आत्ममूल्यांकन। अपने आप को कैसे जांचेंगे कितना पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है सब्जेक्ट स्टडी और कितना बचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक या फिर प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट लीजिए। डेली 2 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट डेली देना है। One for prelims and another for mains। तो 100+100 मॉक टेस्ट, 200 मॉक टेस्ट आपका हो गया। ये आपको इतना पूरा करना है बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक आपको इतना कंप्लीट करना है। 100 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए और 100 मॉक टेस्ट मेंस के लिए, और दोनों जो है आपको एग्ज़ाम एक साथ तैयारी करना है, ना कि जो है आपका पीटी का रिजल्ट आया उसके बाद जो है मेंस का मॉक टेस्ट देंगे। तो पीटी और जो है पीटी एग्ज़ाम के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए दोनों का जो है मॉक टेस्ट आपका कंटिन्यू रहेगा, एक साथ आपको देना है। डेली आपको एक पीटी के लिए देना है, एक मेंस के लिए देना है। तो पीटी के लिए आपका जो है, तो इससे आपका इसे बेनिफिट क्या होगा डेली मॉक टेस्ट देने से, आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तीनों में आप सुधार कर पाएंगे। डेली मॉक टेस्ट देंगे तो पहला नंबर आपका सवाल बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा, डेली एक ही प्रकार के सवाल को बनाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, कम समय में आप जो है सवालों को हल करेंगे। दूसरा आपका एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपका उतना सवाल एक्यूरेट होगा। तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए, और निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग होने के चलते जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी लाने के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट डेली देना पड़ेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, आप पहले से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ही जो है आप घर में ही जो है आप जो है टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। 1 घंटा के अंदर में ही आप जो है पीटी में 100 सवालों को हल कर सकते हैं, और मेंस में जो है 2 घंटा के अंदर में आप 200 सवालों को आप 2 घंटा के अंदर में आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो इतना मॉक टेस्ट देंगे तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका एग्ज़ाम में टाइम लिमिट के अंदर में आपका सवाल, कोई सवाल छूट जाएगा। अब पीटी और मेंस के लिए, तो आपका पीटी के लिए पहला नंबर ये स्ट्रेटजी इसमें रहेगा कि आपको 60 मिनट अगर 60 मिनट आपको मिलता है तो 100 सवाल है, 100 सवाल क्वेश्चन की संख्या 100 हो गया, तो 1 मिनट में आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल कर लेना है। इतना इनिशियल स्टेज में आपका स्ट्रेटजी इस तरह से होना चाहिए कि 1 मिनट में कम से कम एक सवाल को आप सही सही आपको हल करना है। तो 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस को हल करना है, तो इस तरह का स्ट्रेटजी रहेगा तब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस में फिर जो है आपका 200 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन 120 मिनट टाइम मिलेगा, तो 120 मिनट टाइम मिलेगा और 200 क्वेश्चंस की संख्या 200 है, तो 1 मिनट में अगर आप एक सवाल को हल करते हैं तो आपका जो है 120 मिनट में आपका 120 क्वेश्चन जो है मिनिमम आपका सही सही इतना हल होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम आपका 60 क्वेश्चन जो है पीटी में हल होना चाहिए।
मैक्सिमम तो आप जितना ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकें वो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम आपका 60 मिनट में 60 क्वेश्चन जो है आपका सही सही हल होना चाहिए। और मेंस में जो है 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन जो है मिनिमम आपका सही सही हल होना चाहिए, तब आप जो है इसमें सेलेक्ट होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।